प्रणाम दोस्तों, हेलो जसपुर। आज मैं एक ऐसा वीडियो आप सभी को दिखाना चाहता हूं। बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मानव समाज कहां जा रहा है उसको मैं दिखाना चाहता हूं। एक ऐसी महिला जिसको कि जाति धर्म मुसलमान और हिंदू करके उनको ऐसा कर दिया गया, बेचारी दो टाइम का किसी तरह जुगाड़ करने में लगी है, मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, उसके साथ ऐसा अन्याय करना जाति धर्म के नाम पर, और दुखद है। मैं वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूँ, छोटा सा वीडियो बनाऊँगा मैं, दिखाना चाहता हूँ आपको कि हम समाज के लोग हम कहाँ जा रहे हैं, मानवता कहाँ जा रही है, हमारा कर्तव्य हमारी जिम्मेदारी कहाँ जा रहा है और तकलीफ़ है। चलिए दिखाते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको जगह दिखला रहा हूँ, ये कहाँ है, ये महारानी लक्ष्मीबाई आगे रास्ता है, ये कल्याण आश्रम रोड का रास्ता है। यहाँ एक जगह देख रहे हैं आप, छोटा साफ सुथरा होगा। यहाँ पास एक महिला बहुत गरीब, जो 100-200-300 रुपये का बादाम किसी तरह मेहनत करके बादाम मूँगफली बेचती थी, और उसको कुछ लोगों ने जो जाति धर्म के नफरती चश्मे पहने हुए लोग, उनको कैसे यहाँ से भगाए और वो फिर कहाँ गई। चलिए आगे दिखाते हैं। ये वो दूसरा स्थान है दोस्त, ये देखिए कितना अच्छा, इसमें जो है ना मिट्टी डाल के किसी प्रकार से वो दुकान चला रही थी। इसमें चना मूँगफली और भी छोटे छोटे चीज़ जो दूसरे लोग सब सहयोग करते हैं, 500-700 रुपये का दुकान होगा सामान, उसको लगाती थी। और यहाँ से शरारती तक जो हिंदू मुसलमान करने वाले कुछ लोग हैं, उनका जो एक टूटा फूटा था किसी तरह ज़मीन में लगा के बेचती थी, टूटा फूटा जो है टेबल कहीं से कोई सहयोग करके दिया, टूटा हुआ मैं देखा हूँ, खुद देखा था मैं तो, उसको लेकर के ये इधर देख रहे ना, ये कैंपस के अंदर में उसको कुर्सी को तोड़ करके टेबल को फेंक दिया और बोले कि तुम यहाँ मत लगाना, तुम ये धर्म की हो वो धर्म का हो। बहुत तकलीफ़ होता है, वो नहीं देखते हैं कि बेचारा संघर्ष कर रही है, 200-300 रुपये का बादाम बेच रहा, उसके साथ ऐसा नहीं, एक महिला के साथ जो मेहनत करना चाह रही है, जो किसी को कुछ भी, वो जानती है कि बस हम मानव हैं, समाज हमको किसी तरह आगे बढ़ना है। चलिए अभी वर्तमान में वो कहाँ है, किस जगह ला रही, किस परिस्थिति में, उससे आपको मैं रूबरू करवाता हूँ। चलिए मैं उस संघर्ष करने वाली महिला को दिखाना चाहता हूँ, छोटा सा वीडियो है, शायद हमको कुछ सीख दे। मैं उस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ, मेरा मकसद है वीडियो बनाने का, कुछ भी या यूट्यूब में मैं डालता हूँ तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा वीडियो डालें जो लोगों के लिए प्रेरणा हो, सबक हो, या सीखें कि हमारी तहजीब क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमको कैसे रहना है। चलिए मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा, छोटा सा वीडियो है, और हमारे बीच में संघर्ष करने वाली कुछ हमारी महिलाएं भी आई हुई हैं। ये तो अलग हैं, ये क्या उसे हैं, बिहान, बिहान हमारे छत्तीसगढ़ की शान है, आन बान शान बिहान की महिलाएँ हैं। तो ये हड़ताल में है, इनका भी अपना मांग है अधिकार की, ये भी सरकार से लड़ रही है, तो मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, मैं दूसरे, चूँकि ये भी महिला है, ये भी संघर्ष कर रही हैं, तो एक ये पूरे बिहार की महिलाएं हैं, और एक शख्सियत जो महिला हमारी हैं, बहन है, उनको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए दिखाते हैं और जानते हैं उनके साथ क्या हुआ। ये मैं उस दुकान में आया हूँ जिनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज किस ओर जा रहा है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, हम किस समाज में जा रहे हैं, किस भारत की कल्पना कर रहे हैं। और हमारे साथ बैठी है हमारी बहन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, परिचय इनका छुपा रहा हूं। ये छोटा सा देख रहे हैं आप, ये मात्र इतने ही बड़ा दुकान है, ये अपने जीवन के लिए संघर्ष करके किसी टाइम के दो टाइम का मुझे रोटी मिले, और मेहनत कर रही हैं महिला हैं, सबसे बड़ी बात महिला हैं, घर से निकल के ये मेहनत कर रही हैं, और कुछ जो है जाति धर्म के नाम से इनको दो जगह से हटाने का प्रयास किया, इस जगह से भी हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोगों के सहयोग से यहाँ आज बैठी हैं, और ये देखिए दुकान में अपना मेहनत कर रही हैं। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे ये क्या हुआ था, बीच में आप दुकान लगा रहे थे ये जो मूंगफली का, तो कहाँ से शुरुआत किए थे? मैं 200-300 से शुरुआत की। हाँ, पहला जगह मैं जब दुकान लगाई मैं तो कहीं वहाँ से भी मेरे को भगाने का प्रयास करें, ठीक है, दूसरे जगह दुकान लगाई तो मेरा एक छोटा सा टूटा फूटा मैं टेबल जुगाड़ करके और वहाँ पर दुकान लगाने लगी दूसरा जगह। हाँ, फिर वहाँ पर भी मेरा प्लास्टिक जला दिए, टेबल को भी तोड़ दिए, अलग जगह फेंक दिए, फिर भी और जमीन में बैठ करके फिर दुकान लगाने लगी तो फिर वहाँ से भी मेरे को भगा दिए। अभी यह तीसरा जगह है जो कि मैं यहाँ पर दुकान लगा रही हूँ, और हमारे सूरज भैया हैं जो कि हमको हमेशा से सहयोग दिए हैं और मदद किए हैं, नहीं तो मैं 2 किलो मूंगफली और 1 किलो मटर से ही शुरुआत की थी। अभी आप मेहनत करके थोड़ा सा दुकान देख रहे हैं, 2-4 चीज़ बढ़ा है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो आपके दुकान को जो हटाने का और करते, क्यों हटा रहे थे आप, तो जमीन में बैठ के कर रहे थे,
क्यों हटाना चाहते हैं? हटा रहे थे इसलिए कि मतलब जाति धर्म में विवाद कर रहे थे। अच्छा, इस धर्म से ये औरत है जो कि यहाँ पर इनको बैठने नहीं देंगे। तो मदद के लिए आप किसी से बताए थे फिर? मैं सूरज भैया से बताई, मदद कर बोली कि भैया मेरे को ऐसे बोला जा रहा है और मैं इस धर्म से हूँ, मैं कैसे करूँ क्या करूँ। तो सूरज भैया मेरे को सहयोग दिए कि आपको कहीं नहीं भागना है, कहीं नहीं जाना है, हम आपके साथ। और सूरज भैया मेरे को दुकान बढ़ाने का भी सहयोग दिए और हिम्मत दिए, और कुछ लोग और भी हैं जो कि मेरे को हिम्मत देते रहे। ये मैं सुनने में आता है कि नगर पालिका वाले लोग को, जो प्रभावशाली लोग हैं जो धर्म जाति का नफरत फैलाने, वो नगर पालिका में अधिकारी को भी ऐसा बोल के किए थे परेशान? हाँ हाँ, ऐसे बोल के ही परेशान किए थे कि इस धर्म का औरत यहाँ बैठ रही है, उनको हटाया जाए, इनका टेबल फेंका जाए। फिर मेरा ताला उला तोड़ करके मेरा टेबल उबल हटा दिए। मैं तीसरा जगह में आई तो तीसरा जगह में भी मेरे को हटाने का प्रयास किए, लेकिन जब भी मैं सूरज भैया को बताई और सूरज भैया मेरे पास पहुँचे, फिर मेरे को बोले कि बेटा तुमको यहाँ से नहीं, कहीं नहीं हटना। आप लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि कोई भी औरत पीछे ना हटे। मैं कहा खुद से अगर हम मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला तो सक्षम नहीं आते हैं, लेकिन ऊपर वाला ही जैसे कोई भाई होते हैं आपके जैसे, जो कि आके खड़ा हो जाते हैं। नहीं, चलिए, आप भी हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। हम आपको आपके जज्बे को सलाम करते हैं और नाम है, इसलिए हम अभी नहीं दिखाएंगे आपको। आप आगे बढ़िए, ईश्वर मदद करे, हमारा मानवता हमको आगे ले जाए, उस उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, जज्बे को सलाम करता हूँ, आगे बढ़िए। और आपको जो लोग मदद कर रहे हैं उनको ही बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारी महिला शक्ति भी हैं, ये भी इधर मदद कर रहे हैं और ये भी साथ में है, तो इनका हौसला है। दोस्तों, मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये प्रेरणादायी हैं, ऐसी महिलाओं को हमको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। आर्थिक रूप से भले ना सही, लेकिन आप उनको, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनका मनोबल को आगे ले जाइए, उनका मनोबल को गिराइए मत। ये समाज के हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी हैं, महिलाएं हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए, लगे आपको कि ये इस प्रेरणादायी वीडियो को बढ़ाना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे YouTube चैनल में जो नए होंगे, मैं आग्रह करूंगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी महिला शक्ति भी बुला रही हैं, तो मैं आ रहा हूँ आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद।